जो दाता पिया से मांगते हैं, जो कहते हैं वो कर देते हैं। मेरे भतीजे तीन बेटियां, मैं दुआ कर रहा बेटा होवे। पहली दफा बाबा जी ने बुलाया तो बस हाजिरी का सबब बन रहा है, पहली दफा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आफिस फरम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। दाता हजूर का 999 उर्स मुबारक जारी और सारी है। आज उर्स का दूसरा दिन है। जायरीन की आप कसीर तादाद यहां पर देख सकती हैं। पूरे पाकिस्तान से जायरीन यहां पर हाजिरी देने के लिए आ रहे हैं। मेरे इर्द गिर्द कुछ अफराद मौजूद हैं, कोई कामोकी से आया, कोई एबटाबाद से आया, कोई बिहारी से आया। आइए इनसे जानते हैं किस अकीदत के साथ आए हैं और क्या मन्नत मुरादें लेकर आए हैं जो इनकी पूरी होती है। क्या नाम है जी आपका? तनवीर। सब कहाँ से आए हैं आप? ये लाहौर समलाबाद से। हर साल आते हैं यहाँ पे? जी हम तो इधर ही होते हैं। अच्छा। जी क्या मन्नत मुराद है लेके आए हैं? मन्नत मुराद यही है कि जो दाता पिया से मांगते हैं, जो कहते हैं वो कर देते हैं। अच्छा। क्या आपकी मुराद पूरी हुई आज तक? मैंने जो भी काम, कोई एक हमें बताना चाहें। एक जो मैं कारोबार में निकलता हूँ, इधर से सलाम करके निकलता हूँ बाहर, आगे मेरा काम होता है, ये सब अच्छे करते हैं, ऊपर अल्लाह नीचे ये दाता है। यकीनन ये दाता हुजूर का फैज है जो जारी और सारी है। आपका क्या नाम है? अब्दुल गफूर। गफूर साहब कहाँ से आए हैं? उकाड़े से। उकाड़े से आए हैं? पूरी फैमिली है? ये अकेले आए हैं? मैं अकेले ही आया। किस पे आए हैं? पैदल आए हैं, गाड़ी पे आए हैं? मैं कोच में आया। अच्छा। कोच में आया हूँ तो इधर मैं हर साल ही आता हूँ। तीनों दिन इधर ही रहते हैं कि सलाम करके जा रहे हैं? सलाम करके चले जाते हैं। कौन सी मन्नत मुराद आपकी पूरी हुई है? मेरे भतीजे तीन बेटियां, मैं दुआ कर रहा बेटा होवे। अच्छा। हो गया कि अभी मन्नत मांगी है? मांगी। मन्नत मांगी है। बिल्कुल आपकी मन्नत भी पूरी होगी। क्या नाम आपका? काशिफ। काशिफ कहाँ से आए हैं? मैं बावल नगर से। बावल नगर से आए हैं? पूरी फैमिली आई है? दोस्तों के साथ आए हैं? साथ आए। तो क्या यहाँ पे क्या लंगर बांटा है, क्या किया आपने? लंगर हमने बस कुछ भी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, 10-15 मिनट हो गया मैक्सिमम हमें, अभी तक तो कुछ भी तकसीम नहीं किया, अभी बस कुछ बना रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं। काम क्या करते हैं? वेल्डिंग का काम करते हैं। 3 दिन इधर ही रहेंगे कि चले जाएंगे सलाम करके? नहीं, 3 दिन इधर रहेंगे जी। हर साल आते हैं? नहीं, मैं बेसिक तो यहाँ पर काम करता हूँ, लेकिन ये मेले पर आना मेरा पहली दफ़ा हुआ है। पहली दफ़ा बाबा जी ने बुलाया तो बस हाजिरी का सबब बन रहा है, पहली दफ़ा आया हूँ। ये जी नाज़िन पहली दफ़ा ये आए हैं बहावल नगर से, ये आए हैं कहाँ से आप आए हैं? जिला बिहारी से। बिहारी से आए हैं? इधर काम करते हैं कि स्पेशल उधर से आए हैं? काम करते हैं हम लोग जी। क्या आज सरकार पे हाजिरी दी है, क्या दुआ मांगी है? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है हाजिरी दी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मेला लगा हुआ है इधर में। दुआ क्या मांगी है? दुआ मांगी अल्लाह जिसको आदमी आया उसको हर मुसीबत दूर टाल दें, जो वो औलाद देंगे जो देने हैं। क्या दुआ? मैंने कहा अभी जो आया ना किसी मुराद की उसकी मुराद पूरी कर दो दाता साहब की। मैंने बोला आप क्या अपनी मुराद लेकर आए? मैं तो लेकर आया था आप औलाद चाहिए, मुझे तो औलाद चाहिए। कितना अरसा हो गया? 2 साल हो गए। आप कहाँ से आए हैं जी? गुजरावाला। गुजरावाला से आए हैं? क्या नाम आपका? सलीम। कोई मन्नत मुराद लेकर आए हैं कि वैसे खुशी से ऐसे ही आता हूँ, खुशी से आता हूँ, हर जुमेरात को आता हूँ। हर जुमेरात आते हैं, उसके अलावा भी? हाँ, 4 साल हो गए हैं। उसकी कोई वजह होगी जो आज जुमेरात हाजिर? ऐसे ही मैं ऐसे आता हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है बस। कोई वाकया हुआ होगा जिंदगी में जो हर जुमेरात हाजिर? वैसे ही मेरे दिल की मर्जी है, मैं आता हूँ। सुकून मिलता है यहाँ पे आके? सुकून आगे मिलता है बस, खुशी होती है, परेशानी जो होती है जिन में फारग होती है बस। नाज़रीन ज़ायरीन की याद की तो आपने गुफ्तगू सुनी, शाहद हुसैन ढोल वाले मेरे साथ मौजूद हैं जो कह रहे हैं जी बचपन से वो ढोल बजाती हैं, जिस दर का या दरबार का उर्स हो वहाँ पर ये ढोल बजाने ज़रूर आते हैं। आज दाता हुजूर पर ये ढोल बजा रहे हैं, आइए देखते हैं इनके ढोल में ऐसी क्या खास बात है। कब से बजा रहे हैं जी? बचपन से बजा रहा हूँ तो अभी तक पूरा नहीं हो रहा, तो शौक है दिल का, जितनी देर तक जिंदगी है बजाता रहा हूँ। दिल का शौक क्या है जो पूरा नहीं हो रहा? जो है ना पूरा नहीं हो सकता ढोल, जितनी देर भी बजाऊँ ना ढोल पूरा नहीं हो सकता। वैसे शौक है जितनी देर तक जिंदगी है ना बजाता रहा हूँ और सखियों के दर पर जाता रहा हूँ। आपका अपना शहर कौन सा है? जिला गुजराला नाल नौखर मंडी। वहाँ से स्पेशल आए हैं इधर? जी जी स्पेशल आए हैं। दिखाएं जरा बजाएं क्या करते हैं।
साल हो गए। अच्छा कितनी प्रैक्टिस रोजाना करती हैं कि जब घुमाती हैं और आप बजाते भी रहते हैं और घूमता भी रहता है? हाँ। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी? रोज करता हूँ, रोज करता हूँ। शौक क्या है, क्या बनना चाहते हैं? शौक है मुझे ढोल का। हाँ नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, यकीनन इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ढोल बजाया है। इनका शौक है, इनका पैशन है यहाँ पर ढोल बजाना। जिस तरह आप देख सकते हैं कि वो घूमे भी हैं लेकिन जो ढोल की ताप थी वो नहीं रुकी। क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? जी जनाब, अल्लाह का जिक्र हो लगा, गार करा लगा मैं सुने आ रहा। ये अल्लाह का जिक्र होने लगा, नाज़रीन जरा सुनिएगा। जी जिन्ने मेरे भाई दोस्त हैं सब मेरी तरफ या इली मदद। दूसरे नंबर दे सब तो पहले मैं पैगाम देना चाहना, जेडे मेरे दोस्त हैं फ्रेंड वो मुझे लाइक करें और फॉलो करें। नाज़रीन, इन्होंने पैगाम दिया जो उनके दोस्त फ्रेंड इनको लाइक करें, इनको फॉलो करें। आपने अल्लाह की ताप भी सुनी, उसके अलावा बंगरा ढोल जिस तरह दरबारों पे बजाया जाता है इन्होंने खूब बजाया और वाकई ये दाद के मुस्तहिक हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ फरम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।